छठ महापर्व को लेकर अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में अलग अलग प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप फिलहाल देख पा रहे हैं अहमदाबाद के इंदिरा ब्रिज के नीचे आए हुए रिवर फ्रंट में विशेष छठ पूजा का आयोजन किया गया है, जहां पे डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है। कल उगते हुए सूर्य को एक बार फिर अर्घ दिया जाएगा और छठ पूजन जो है उसको तमाम प्रकार की तैयारियों के साथ यहां पे आयोजित किया गया है। हमारे साथ आयोजनकर्ता सोना सिंह राजपूत जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि बीते कुछ सालों में लगातार उत्तर भारतीयों की संख्या अहमदाबाद समेत पूरे गुजरात में बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही है और ये जो संख्या यहाँ पे दिख रही है रिवर फ्रंट पे, ये भी एक उसका सबूत भी है। किस प्रकार से यहाँ आयोजन किया गया है, कितने लोग यहाँ पे डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए और कल उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए पहुंचेंगे? आप जब ये कवरेज कर रहे हैं तो आज संध्या आरती की आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया आरती हो रही है और इससे बड़ा क्या होगा कि 2200 किलोमीटर दूर इस गुजरात राज्य में बिहार के छठी मैया की आरती होती हो और हजारों संख्या आपके सामने देख रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज मुख्यमंत्री श्री आज स्टेज पे आरती कर रहे हैं और कल भी इसी तरह से आरती होगी। सुबह कम से कम 14-15 हज़ार की लोगों की एक भीड़ है जो इस कार्यक्रम को देखेगा। उत्तर पूर्वीय उत्तर प्रदेश की बात करें या बिहार की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है छठी मैया की इस प्रकार से एक श्रद्धा भक्ति से पूजन करना, कितना महत्व है, इसके महत्व के बारे में भी बताइए। अब कहते हैं कि हमारे लिए दिवाली कोई माने नहीं रखती है, उससे बड़ी हमारी छठ पूजा है। मतलब अगर वो किसी राज्य नहीं किसी विदेश में भी है तो इस दिन अपनी माँ के लिए और छठ पूजा की माँ के लिए वो लोग हमेशा कैसे भी छुट्टी लेकर पहुँचते हैं। मतलब छठ पूजा एक इमोशन और एक परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण है। खास करके उत्तर भारत की तरफ जो ट्रेनें भी जाती हैं अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो, वो भी बहुत ही भरी हुई जाती हैं। लोग कोशिश करते हैं दिवाली और छठ पूजा तक अपने राज्य में पहुंचने का, यानी कि उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग अहमदाबाद में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो वो संख्या है जो अपने गाँव अपने देश अपनी माँ को मिलने जाते हैं और जो नहीं जा पाते हैं वो इसी तरह के आयोजन में आकर अपने परिवार के साथ छठ करते हैं। और ये आते हैं हम लोग तो 1986 से करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इस तरह का भी आते हैं कि आज रजवात हुआ है और भी इसे लंबा करने का प्लान है और संख्या और भी बढ़ेगी। तो आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ के, मैं विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूंगा, मेरे सहयोगी साजिद जी से कहूंगा आपको नीचे की तरफ के जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाएंगे, जहाँ पे तमाम उम्र की जो महिलाएं हैं जो युवा हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं छठी मैया की पूजन करते हुए। यहाँ पे फिलहाल आरती भी चल रही है और जो लोग हैं वो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। खास करके अहमदाबाद की बात करें तो लगभग 2 लाख जितने लोग और सूरत में 5 लाख से ज़्यादा लोग जो बिहार और उत्तर भारतीय हैं वो छठी मैया का पूजन यहाँ पे करते हैं। और अहमदाबाद का ये रिवर फ्रंट जहाँ पे 2018 के बाद से एक अलग ही जो विशेष घाट है उसको तैयार किया गया है और यहाँ पे बड़ी संख्या में छठ पूजन के लिए लोग पहुँचते हैं और गुजरात के सीएम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं और छठी मैया की विधिवत आरती भी यहाँ पे की जाती है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक अहमदाबाद।